हमारे घर से पूरा 1 किलोमीटर है, आदत नहीं रही पैदल चलने की, बिल्कुल लेके आ जाओ। इससे पहले ध्यान रखना कभी भी कोई भी। अब हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई अभी मुझे जाना पड़ेगा स्कूल में और मुझे किसी और सेक्टर कहीं भी जाना, मतलब किसी ऑफिस के काम से जाना। तो गाइस अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर चलते हैं और थोड़ा मैच भी देखेंगे, लेकिन आके इंडिया के मैच आएगा उस टाइम तक हम पहुंच जाएंगे। पहले बस देखो एक मिट्टू देखो हमारा, देखो ये देखो, देखो ये देखो इसके अंदर से क्या खाने के चक्कर में सेब रखे हैं ना इसमें, देखो ये इसके लिए सेब रखे हुए ना, देखो ये खाने के चक्कर में लग रहा है। अभी इसे काट के दिया जब तो खाता नहीं है, और देखो दो उधर देखो बैठे हैं यार। ये बस देखो एक मिट्टू ये बैठा खा रहा है हमारा मिट्टू, देखो यार उधर ही है ये तो मिट्टू, सेब खाना शुरू कर दिया इसने, ले लिया आखिरकार इसने सेब खाने के लिए। मिट्टू ने खा ले, मिट्टू खा ले, शाबाश हो जाए पहलवान सेब खा। हाँ भाई मिट्टू क्या हाल है, सही है हैं, कैसा आज हो रहा था उदास उदास सा? देखो मैं चाह रहा इसमें चिम्बा नीदरलैंड का। मिट्टू आज रिमोट लेन चलेगा टीवी का, आज स्कूल नहीं जाएगा तू, छुट्टी दे रही, छुट्टी कर ले आज, और क्या कहते मैं ना जाता स्कूल। समझदार हो गया, मैं देखने जा रहा है कि छुट्टी करने क्या करेगा। अभी कर लेते हैं नाश्ता, इसके अंदर आ गई है देखो कीमे वाली कचौरी, देखो ये कीमे वाली कचौरी है, चाय चटनी, अरे मैच, अरे मिट्टू हमारा है भाई, मिट्टू प्यारा मिट्टू है। मुर्शिदा इम्तिहान ले रही है, सुहेल का राजू का इम्तिहान ले रही है, इनका 9th क्लास का पेपर है ना, दोनों का थोड़ा सा इम्तिहान ले रही है कि हाँ क्या क्या करेंगे पेपर में, क्या क्या नहीं करना। तो अभी तक तो सही बता रहे, देखें 9th में रिजल्ट कैसा आएगा इनका। गाइस गाइस देखो यार, ये हमारे खालिद भाई का साहब जादे साहबेज, और ये लेकर आए हैं अपना पीसी। यार ये पीसी देखो ये खराब हो गया है, इसको सही करने के लिए देखते हैं, हम भी है तो कारीगर नहीं, लेकिन फिर भी एक बार चेक तो करके देख ही लेंगे यार, कि खोल के देखते रहते हैं ना अपना पीसी हम। अब देखते हैं इसे यार होगा या नहीं होगा, क्या होगा इसमें। गाइस जरा पहले मैं वेट को स्कूल छोड़ जाता हूँ, और जरा जो हमारा जो कंप्यूटर है पीसी उसको अभी हम लोग अंदर टेस्टिंग हो रहा है, चालू करके देखा अगर चालू हो गया तो, बाकी कुछ कमी का तो पता लग गया है। पहले मैं इसे स्कूल छोड़ जाता हूँ वेट को। गाइस मैं यार अभी वेट को भी छोड़कर आ चुका हूँ स्कूल, फिर उसके बाद सुहेल अज्जू को स्कूल छोड़ आया, अब छोड़ गया हूँ अनस को और उमर को स्कूल, सबको स्कूल छोड़ के तब आगे बैठा हूँ। तो इसका हमारे भाई साहवेज ये कर रहे हैं इसका कॉपी डाटा, जिस कंप्यूटर को चालू तो कर दिया अभी हमने फिलहाल, ये इसका डाटा कॉपी कर रहे हैं इसका, फिर इसका करेंगे ऑपरेशन, फिर देखेंगे असली कमी क्या थी इसके अंदर, क्या नहीं थी कमी। अभी तो चालू कर दिया अभी हमने कंप्यूटर, सिर्फ डाटा मैन पहले इसका कॉपी कर लिया जाए, कहीं ऐसा फिर हार्ड डिस्क के अंदर फिर दिक्कत आ जाए, फिर तारा डाटा खत्म हो जाए। इसलिए पहले ध्यान रखना कभी भी कोई भी अपने पीसी का डाटा कॉपी बीच बीच में करते रहना चाहिए, एक सेफ बिल्कुल अलग, कब पता नहीं कब खराब हो जाए हार्ड डिस्क इसकी। हार्ड डिस्क खराब होने का मतलब यह है, अगर डाटा कॉपी कराने जाओगे तो कम से कम 10-10, 20-20 हजार रुपए डाटा मांगते हैं एक दो दो फाइल का। इंडिया बहुत अच्छा मैच खेल लिया, 184 का स्कोर, 185 का लक्ष्य दे दिया, 185 बनाने हैं बांग्लादेश को, मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी बना पाएंगे, लेकिन अब बांग्लादेश आ गई है खेलने के लिए, देखो कितना अच्छा बांग्लादेश ने भी शुरुआत कर दी है, एक चौका मार दिया है, लेकिन 185 का स्कोर तो इम्पोसिबल, मतलब भी नहीं होता जो बन जाएगा। ये देखो ना यार 185 कैसे बना लेंगे। तो गाइस यार ये देखो जबरदस्त मैच चल रहा है, चलते मैच चलते चलते यार बारिश आ गई, मतलब बांग्लादेश ने 7 ओवर के अंदर 66 रन मार दिए, बड़े जबरदस्त रन मार दिया, कमाल कर दिया यार। बारिश आ चुकी है और यहाँ पर खेल रुका हुआ है इस टाइम बिल्कुल पूरी तरीके से, मुझे वो तो उम्मीद है पूरी पूरी की इंडिया जीतेगी। अब पहले वेद को लेकर आते हैं और अनस मेरे साथ जा रहा है, ये मुझे मैच का स्कोर बताता रहेगा, पीछे बैठ के जाएगा साथ। और गाइस देखो हमारा एक मिट्टू बैठा हुआ, देखो कैसा क्या खराब, क्या खराब है ये मिट्टू, हैं कुरकुरे मिट्टू है भाई, मिट्टू कुरकुरे खा रहा। हमारे यहाँ बेल लो आई थी, इसकी हमने कंप्लेन करके ना वोट काट दी बिना पूछे कैसे, तो अभी वो नए पहचान पत्र के लिए भी अप्लाई करने के लिए लेके गई, और जो कंप्लेन कर रखी है उसके बारे में भी कह रही थी। अब देखते हैं क्या होता है, हर किसी को करनी चाहिए यार, अगर कोई कमी है कोई दिक्कत है हर किसी को करनी चाहिए शिकायत, मैं आपको बताऊँ। खाना खाने का टाइम हो रहा, अभी पहले मैं खाना खाने वाला हूँ, उसके बाद फिर हम जाएंगे व्लॉग एंड करेंगे। अभी खाना आ रहा है बनकर, और इतने देखो ये गाय जी मेरे पर, देखो ये बैठ गया, ये देखो ये एक और आगे, देखो गाय देखो ये आ गया एक और, दोनों ने मेरे पर कब्जा कर लिया यार, बताओ यार पता ना क्यों इतने मेरे से आ गए, बिल्कुल ऐसे पड़ जाते हैं, अगर ये आ गया मेरे पास तो ये जरूर आएगी, वरना तो काट लेगी फिर ये, अगर इसको ना लेंगे तो काटेगी। मिठो चुप हो जा, चुप तू चुप हो जा, मिठो क्या बात है, क्या है मिट्टू बेटा, मिट्टू बेटा, मिट्टू खाना, तूने खाना खा लिया गाइस, देखो ये देखो किस तरीके से, देखो ये देखो किस तरीके से सेब डाला है, इनके सेब ऐसे कुतर कुतर के फेंक दें, इतना परेशान करते हैं ये, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। भाई जरा खाना आ रहा है, खाना खा लो पहले। भाई अभी हमने खाना खा लिया है, और अभी मैं और उमर जा रहे हैं पान खाने के लिए, हम दोनों जाएंगे पान खाने के लिए भाई, चल और पैदल पैदल जाएंगे, बहुत दूर तक यहाँ से 1 किलोमीटर है पान की दुकान हमारी, हम बाइक पे जाते हैं, लेकिन यार थोड़ा पेट मोटा हो रहा, पेट हल्का करना ना,
पैदल पैदल जाएंगे, अम्मी कह रही है पैदल पैदल चले करो। आज देखो पैदल पैदल उमर जा रहा है आगे आगे, 10 बज रहे हैं रात के, देखो उमर जा रहा है आगे आगे पूरी तरीके से रात। देखो उमर भी साथ साथ चल रहा, मेरे पहले आगे आगे भाग रहा था, अब मेरे साथ साथ चल रहा। कितना सुनसान एरिया है इधर, हमारे घर से पूरा 1 किलोमीटर है यहाँ से हम जा रहे हैं। आदत नहीं रही पैदल चलने की बिल्कुल भी, लेकिन आज उमर की बड़ी अम्मी ने है ना ये भतीजा है ना उमर हमारा, आके पैदल पैदल जाओ, मैंने इससे कहा तू भी चलो साथ, इसलिए इसे भी साथ साथ लेके जा रहा हूँ। बहुत देर होगी चलते चलते यार, पैदल पैदल देखो पहुँचने वाले हैं, लेकिन पूरी मार्केट बंद हो रही होती जा रही है। गाइस दुकान खुली हुई है, हम पहुँचने वाले हैं 3-4 मिनट में, दुकान खुल रही है पान की, देखो यार ये रही। तो गाइस अभी पान खाने के बाद अभी मिलते हैं, हमने पान खा लिया का, अब चल रहे हैं, उमर खा रहा है नमकीन और हम चलते हैं घर, घर मिलेंगे सीधे डायरेक्ट, बहुत देर होगी चलते चलते यार। तो गाइस मैं अभी घर पर आ चुका हूँ, पान वान खा कर निफराम होकर हम आगे हैं घर पे। वैसे व्लॉग एडिट करेंगे हम, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर व्लॉग हमारा पसंद आया तो वैसे लाइक करें शेयर करें, और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे प्रेस करके ऑल पर सेट जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाले नए नए व्लॉग आपको और अच्छे अच्छे देखने को मिल सकें। बाय।